हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं कर्मा से। तो कर्मा का गाना आ चुका है जिसका नाम है पॉम्फ्रेट फ्राई। तो अगर सुन लिया आप लोगों ने तो बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये गाना। तो इस ट्रैक के ड्रॉप होने के बाद रॉप्सी कुछ स्टोरीज डालता है। सो कर्मा बेसिकली डिस्ड हिज ओन डैड विद दैट आलू चाट लाइन। जिस पाजी को तू डिस कर रहा है उन्होंने ही तेरे डैडी का करियर बनाया है। सो वॉट आर यू सेइंग, आई वॉज गोना किल अ कपल रैपर्स बट दे डिड इट टू देमसेल्व्स। व्हाई डज ही साउंड सो कॉन्स्टिपेटेड ऑल द टाइम, दैट डिडंट इवन क्वालिफाई फॉर अ सबलिमिनल डिस एंड दैट वैक एक्सेंट दो, इन्हें कौन समझाए। तो रॉप्सी का पाजी से मतलब है मैंज म्यूजिक पाजी। इसके अलावा कर्मा का हेनेसी फ्री स्टाइल पॉडकास्ट भी आउट हो चुका है जो कि 40 मिनट का है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही जे ट्रिक्स का भी गाना आ चुका है जिसका नाम है स्ट्रीट्स। तो अब बात कर लेते हैं कश्मीर म्यूजिक और सीधे मौत के बारे में। तो अभी कश्मीर म्यूजिक जो है वो सीधे मौत के साथ देखने को मिला है। तो अभी तक काफी इंडियन रैपर्स के साथ कश्मीर म्यूजिक देख चुका है, तो ऐसा लग रहा है किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है जिसमें इंडियन रैपर्स के सॉन्ग्स होंगे, शायद एल्बम वगैरह हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं लिल टीजे के बारे में। तो कुछ टाइम पहले लिल टीजे को जो है वो गोली लगी थी, तो पहले के मुकाबले वो अभी काफी ठीक है और होश में आ चुका है वो अभी, और लोगों से बात वगैरह भी करने लगे हैं। तो उम्मीद करते जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।